हमारे लोकेशन पे पहुंचने वाले, तो ड्रीम इट्स ड्रीम कम ट्रू, मेरी इतनी बड़ी फोटो छपी हुई है माशाल्लाह। चले जी अभी यहाँ से जा रहे हैं, रीफ साहब का हाथ पकड़ा है, मम्मा मेरे साथ है। मम्मा से भी मिल लिया। मम्मा क्या हुआ? मम्मा रोने लग गई है। मेरी अम्मा इमोशनल हो जी क्या करना है? अरे मुझे लगता है कि पहले गिवो में देते हैं। हाँ गिवो में बांटते हैं। क्या हाल है आप सबका? ठीक हो आप? इतना रश है भाई, हाय कर दो। मेरे आसपास हो गया, मम्मी मेरी बहुत खुश है यहाँ पे। लेकिन बहुत मैस क्रिएट हो गया हुआ था, अगर थोड़ी देर और रुकते तो यहाँ पे किसी का जानी नुकसान हो सकता था, निकलना बहुत जरूरी था यहाँ से। बच गई आप? बच गई। परेशान हो गया, बहुत जोर से लगा। नहीं वो हालात क्या है, जब आपको कह रहा था दरवाजा क्लियर था सर। मैंने ये फ्री में ले लिया ना, लेकिन मुझे मिले बंद हो गया। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव के इतना प्यार दिया ऑडियंस ने, इतना प्यार दिया मेरी फैमिली ने जो वहाँ पे आई भी थी। गाइस मेरा इस वक्त गला बिल्कुल बंद हो गया, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। मेरी अम्मा के जो है वो इमोशनल हो गई, उनके आंसर निकला है। मैं खुद भी बड़ा कैसे आपको बताऊं, कैसे शुक्रिया अदा करूं कि आप लोग हमसे कितना प्यार करते हैं। और वो आज मैं पहली बार आई हूं और मुझे अंदाजा हो गया जिस तरह से लोग शाउट कर रहे थे। आप तो कह रही थी मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी तरफ से भी बहुत 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 शुक्रिया। हाय माँ खुश होगी मेरी, भाई मेरी माँ खुश होगी मदर्स डे पे। खुशी के आंसू थे कि अल्लाह ने मेरी बेटियों को इतना मकाम दिया है कि इतनी वाम को पसंद करती है ना, इसलिए मुझे रोना है। तो मामा ने रोने की वजह भी बता दी है। मेरे घर हर दफा बेटी पैदा होती थी तो लोग कहते थे
कुड़ी पैदा हुई थी तब भी मैं रोती थी। अब मुझे खुशी से रोना है कि बेटियां भी वो मुकाम हासिल कर सकती हैं कि जो बेटे कर सकते हैं। ओए होए होए, सब उन लोगों को जवाब था आज, आज जो आपको ये बात करते थे। कि मैं देखे वो तब पता नहीं किस वे में मैं रोती थी, और आज मैं इतनी खुशी से मेरी आंखों में आंसू आए हैं कि अल्लाह ताला ऐसी बेटियां हर किसी को दे। आमीन आमीन आमीन। जो दिल करता है वो खाना है। अब अरीब साहब भी ऑर्डर पे बैठ गए हैं, अब यहाँ पे डिसाइड करेंगे एंड देन वी विल हैव डिनर। मम्मा ने, मम्मा यहाँ पे आपने चीट डे करना था, ठीक है? चीट डे करना था। देखेंगे उन्होंने ऑर्डर क्या किया है। शवारमा भी मंगवाया। ओके, शाम तक खा ही जाना है। पहले एक बेटी भी, दूसरी बेटी भी थी, माशाल्लाह पांच बेटियां होना भी वाह। मदर्स डे पे मेरी अम्मा की सही में मुआजे। हम लोग खाने शाने से हो चुके हैं फ्री। मम्मा जो है ना वो अभी ना मिंट मार के लीटा उठाया और निकल पड़ी है, क्योंकि इनको जल्दी है कि मैंने बाकी बेटियों को भी टाइम देना है। मेरी पांच अदद बेटियां अकेली, तुम तो नहीं हो ना जिसको मैं सारा टाइम दे दूं अपना। आत्मा का रहता है, आत्मा ने भी देना सरप्राइज। हाँ, चलें जी अब निकलते हैं बस यहाँ से, गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और घर पहुँचते हैं, फिर दिखाते हैं। लेट्स गो। गाड़ी देखे, रीफ साहब ने इतनी दूर पार्किंग पे लगाई है, इतनी दूर पार्किंग पे लगाई है क्योंकि वहाँ पे पार्किंग नहीं मिल रही थी। आज मुझे लगता है संडे है ना, वैसे ही रश हुआ है बहुत ज्यादा। सब लोग माओं के साथ आए हुए, सब लोग माओ, भाई आम दिन भी अपनी माओं के साथ स्पेंड किया करें, हर दिन माँ का होता है। शुक्र है जिसने मदर्स डे याद किया कि चलो एक दिन तो माओं को अच्छा मिलता है। वैसे नहीं अच्छा मिलता, नहीं बाकी किसी माँ को चलो किसी बहाने से औलाद इकट्ठी हो जाती। हाँ, है सही बात है। लोग पहुंच चुके हैं घर, अपने मम्मा को ड्रॉप कर दिया। ओके, हैप्पी मदर्स डे। मजा आया फिर आपको आज? आज बहुत मजा आया। आज का मदर्स डे कैसा गुजरा? आज का ये मदर्स डे मुझे हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा, आप लोगों की वजह से हमेशा याद रहेगा इंशाल्लाह। चले फिर अभी निकलती हूँ मैं घर के लिए, ठीक है? फिर घर अंदर कभी आऊंगी, ठीक है? क्योंकि अभी मैं ना निकलना, रीब भी थक गए हैं तो घर जाके चाय शाय बनाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं क्योंकि थकावट हो गई। ओके मम्मा, बाय, अल्लाह हाफिज़।